सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे आप सब, आशा करती हूँ परिवार से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोनिया चौहान, चौहान ASPL ब्लॉग से आप सभी का अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम निकले हैं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, तो गाइस बने रहिए मेरी वीडियो में। और थोड़ा सा व्यू हम दिखाते हैं, पहाड़ों की सुंदरता को थोड़ा दर्शाते हैं। तो तब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बाय बाय। हाँ, आज थोड़ा सा इधर घूमने, बच्चों का टाइम है ना अभी। हेलो हेलो करो तो वीडियो में। हेलो सुंदर लग रहे हो। सुंदर लग रहे हाँ, बिल्कुल ध्यान से बना रहे मेरी वीडियो में। हाँ अच्छा। और इन्होंने ये घास बना लिया है, अब ये घर को जाएंगे। ये घर को जाएंगे, ये गाय के लिए हो गया। थोड़ा सा घूमने के लिए, और देखिए थोड़ा धूप भी अच्छी हो रखी है, और ठंड के मौसम में कितना अच्छा मौसम हो रखा है, और मज़ा भी आ रहा है बहुत। तो चलिए आज थोड़ा सा इंजॉयमेंट। तो आज जो है फुली फ्रेश माइंड करने के लिए जो है लोग दुनिया के कोने कोने से पहाड़ी इलाकों को चूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जो है पहाड़ी इलाके में ही है, तो ये हमारी खुशनसीबी है और हमें अच्छा भी लग रहा है। और गाइज एक चीज़ मैं दिखा देती हूँ, देखिए हम कितनी ऊंचाई हुए, वो देखिए वो रहा हमारा घर, और वहाँ से वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। नीचे यहाँ पे ये फसलें भी है, पानी चल रहा है जगह जगह से, और कितना अच्छा व्यू है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है थोड़ा घूमने फिरने में। ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकले हैं घर से, और आज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे घर के अंदर ही, घर के से बाहर। तो चले गाइज, where the movie started, facing at a photo they've taken, space tree flying through the skies and petals happen everywhere. आओ आ जाओ, आ जाओ चल है ना, आ जाओ आ जाओ। डबल लेट ओ ओ मत मत खुद हर मत चला पड़ी सीढ़ियां ना सीढ़ियां का अब कल तुम बता तो गए पला। ओ ओ आओ, आराम से आराम से आराम से आराम से आओ आओ।
आ जाओ। हाँ जी आज छुट्टी है, जाओ। सेल्फी के मूड में है ये। हाँ। ये देखो तो ये सेल्फी ले रहा। अभी खाना खाओ पहले, चलो खाना खाओ, खाना हाँ खाओ। सुंदर है ना गाय तू। अरे मैंने ले नहीं रखा भाई कुछ खाने का, ये तो मैं खिला देती। चलो बाय करो, खाना हो गया। हेलो नाश्ता हो रहा है, बाय करो। बाय बाय। डर रहा हो? हेलो करो, नहीं करती। खाएगी 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 फिर से बनाकर खाएगी। नहीं देखिए एक गाय ने मना कर दिया खाने से, कह रही है मैं नहीं खाऊंगी, और देखिए मुझे खाने के लिए कुछ छोड़ दो, नहीं करती, मना कर रही है वो भाई, और ये खाने में लगी है। अरे घास लाते हुए पहाड़ी लोग बहुत काम करते हैं। माल्टा ले लिया है, अरे देखिए कितना सुंदर कितना खूबसूरत माल्टा है, उसको घर पे जाके इसकी चटनी बनाएंगे काट के। फॉलो मी। ये आप क्या कर रहे हैं वैसे? पत्थर तोड़ रहे हैं। ये वैसे बन क्या रहा है सर, ये क्या बन रहा है यहाँ पे? अच्छा बाद में क्या क्या बनाएंगे सर? मकान बनेगी यहाँ पे। अच्छा अच्छा आप अच्छा आप लोगों का वह वाला रास्ता है। हाँ हाँ कहाँ से हो भैया? नेपाल से। नेपाल से? हाँ। कभी हमें भी घुमाना नेपाल में। हाँ। आपका घर है? हाँ। अच्छा फैमिली है वहाँ? हाँ। अच्छा चलो तो यहाँ उत्तराखंड भी आके कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा खासा काम है? हाँ मुँह दिख रहा है। हाँ चलो 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 आराम से भाई। गढ़वाली आप कौन हो? गढ़वाली नेपाली? नेपाली जी। अच्छा नए नए आए लगते हो यहाँ पे जो है। ये देखिए पहाड़ों में ऐसे घर बनता है, पहले तो बिल्कुल पत्थरों को निकाल के और मिट्टी मिट्टी को ऐसे बराबर करके और फिर इस तरह से दीवार बनाई जाती है, और दीवार बनाने के बाद फिर यहाँ पे जो है घर की नींव डाली जाती है ना। तो ये देखिए गाइस पहाड़ी इलाका है, कितना ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं यहाँ पे, और सबसे जानते हैं गाइज ये देखिए जो यहाँ पे जो ये इतनी सारी जगह जो खाली कर रखी है, ये काफ़ी टाइम हो गया है और यहाँ का काम जो चल रहा है, और अभी तो ये देखिए नींव भी नहीं डली है, तो पहाड़ों में घर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये लेबर लगी है। और ये देखिए ये सर है, इन्हीं का यहाँ पे जो है घर बन रहा है,
और तो सबसे जानते हैं सर, एक बार नाम बता दीजिए। नाम सुरेंद्र सिंह रावत है। ओके। मेरे गांव का नाम कोयलक है। हाँ हाँ। और हमने ये जमीन खरीद के फिर हम यहाँ पे मकान बनाए। अच्छा अच्छा, तो सर पहाड़ों में मकान बनाना आसान है? बहुत टफ है मैडम, पहले तो इसमें कटिंग करना पड़ेगा, बुनियाद देनी पड़ती है, इसमें हमने 2-3 मीटर का बेस रखा। हाँ हाँ। इसमें नहीं तो कम से कम 40 ट्रक पत्थर लगे होंगे, फिर और ऊपर भी बनेंगे, बीम डालने पड़ते हैं सरिया से, ताकि ऊपर वाला किसके मकान न खिसके और ऊपर की सेफ्टी मिल जाए इसमें, तब मकान बनेगा। ये तो हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये देखिए और कितने सारे मतलब लेबर जो है वो तो लगी हुई है, और अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, ये पीछे की दीवार बन रही है और ये यहाँ पे घर बनाएंगे। तो ये अब हम भी यही है गाइस, और जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा तो हम वो भी दिखाएंगे। अब हम आ गए हैं सलियाना बैंड घर की तरफ, और ये देखिए ये कितना बड़ा पेड़ है, देखिए गाइस आगे से देखते हैं। ये पेड़ यहाँ से शुरू होके कितना बड़ा है ये पेड़। नमस्कार। और देखिए दादी गायों को लेके जा रही हैं और घूम घाम। हेलो गाय, हेलो।